हेलो दोस्तों, यह है शिवांशी, हमारे विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा। बहुत ही होनहार, पढ़ाई लिखाई में व्यवहार कुशल। इनका 2 दिन पहले जन्मदिवस था। 5 या 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे ये आती हैं। एक हफ्ते से बता रही थी कि मैम मेरा जन्मदिन आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है। हम लोग भी खुश थे। उसके बाद ये कल विद्यालय आई और हमने पूछा तो ये 2 टॉफियां ले आके हमें और जो हमारे यहाँ दूसरी मैम है उनको दिया। तो एक उत्सुकता से हम लोगों ने पूछा कि कैसे मनाया जन्मदिन। तो इस बच्ची ने अपना सर नीचे कर लिया और बोला कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाता, 6 भाई बहनों में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाते, छोटे भाई का मनाते हैं। मासूम से चेहरे पे इतनी उदासी थी। अब वो 2 टॉफ़ी ना हमने खाया ना मैम ने। मैम ने कहा कि चलो तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। मेरा मन भी खुश हो गया। मिलके तैयारियां शुरू हुई। आज शिवांशी का जन्मदिन था। शिवांशी बहुत खुश, उसके साथी बहुत खुश, उसके भाई बहन बहुत खुश। माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं हैं परिवार की कि 6 बच्चों का और ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं का जन्मदिन मनाया जाए। तो इस बच्चे के चेहरे पे खुशी देखिए आप, कितना उत्साह है कि उसका जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन्हीं सुखद पलों को साझा करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि जितना हमारे वश में है और ईश्वर ने जितना हमें सक्षम बनाया है, किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ला पाए, जीवन का यही अर्थ है। हम अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, उनमें कितना उत्साह होता है अपने जन्मदिवस को लेकर के। बच्चा तो बच्चा होता है। तो एक सुखद वातावरण विद्यालय में बन गया और अभी विद्यालय खुला है और उस हिसाब से शुरुआत बेहतरीन हुई। और शिवांशी को आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग, जितना भी हम लोग उसके जीवन में खुशियां भर पाएँ प्रयास करेंगे। ये है वो छोटी सी बच्ची, तो उसी के कुछ सुखद क्षण हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा बच्ची को। धन्यवाद। शिवांशी का गिफ्ट, ठीक है, क्लैप करो सारे लोग।